अंधविश्वास के चमत्कार पर विज्ञान भारी पड़ गया। भागना पड़ा धीरेन्द्र शास्त्री को अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधकर नागपुर से, क्योंकि महाराष्ट्र में एक समिति है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। हुआ यूं कि दिनांक 5 जनवरी से 13 जनवरी 2023 के बीच एक भगवान की कथा के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ के रेशिम बाग में एक प्रवचन का बड़ा आयोजन किया। एक समिति ने बहुत बड़ा आयोजन किया और वहाँ पर ये दावे कहे जाने लगे कि ये चमत्कार भी करते हैं। और सभी को पता है कि इनके चमत्कार के तमाम वीडियोस जो हैं वो YouTube पर मौजूद हैं। तो चमत्कार करते हैं ये जानकर बहुत सारे लोग इनके पास आते हैं और इस चमत्कार का दावा करने वाले पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने ये दावा ठोक दिया है, इनको चुनौती दे दी है कि भैया साबित करो कि आप वाकई चमत्कारी हो, आप चमत्कार कर सकते हो। अगर आपने साबित कर दिया तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख जो हैं डॉक्टर श्याम मानव, उन्होंने कहा कि ये समिति को वो भंग कर देंगे अगर ये साबित हो गया कि आप वाकई चमत्कार कर सकते हैं। और उन्होंने 30 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया कि अगर ये चमत्कार जो है ये सही साबित हो गया तो उसको 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, उन्होंने कह दिया। और जैसे ही ये इनाम की घोषणा हुई और जैसे ही विज्ञान की ओर से उनको चुनौती मिली, धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर सरकार के नाम से जाने जाते हैं, नागपुर से भाग लिए, पलायन कर गए, भाग गए यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर। एक दिन पहले ही तय कार्यक्रम था कि 5 से 13 जनवरी के तक उनका प्रवचन चलेगा, उनकी तमाम लीलाएं जो हैं वो चलेंगी। बड़े बड़े नेता भी उसमें शामिल हुए, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े बड़े तमाम नेता, पुलिस, बहुत सारे लोग वहाँ पर शामिल हुए। लेकिन जैसे ही विज्ञान की ओर से उनको चुनौती मिली वो भाग खड़े हुए, निकल गए यहाँ से एक दिन पहले ही। और ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, उन्होंने ये दावा किया है कि अगर ये सही साबित होते हैं तो उसको इनाम दिया जाएगा 30 लाख रुपए का। लेकिन वो जानते थे कि वो तो इस तरह से, एक तरह से अंधश्रद्धा, अंधविश्वास ही फैलाते हैं और अंधविश्वास पर ये विज्ञान का जो दावा है, विज्ञान की जो चुनौती है, वो भारी पड़ गई और यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री को भागना पड़ा। जे दावे आहेत त्यामध्ये त्यांचा दावा असा आहे की त्यांना आपोआप माणसांची म्हणजे भक्तांची नावं ओळखता येतात, त्यांच्या वडिलांचं नाव ओळखता येतं, त्यांचं वय सांगता येतं, त्यासोबतच त्यांचा फोन नंबर सांगता येतो। हा चमत्कार आहे, मी नाही सांगू शकतो, याला दिव्य शक्ती असं म्हणतात। या व्हिडिओमध्ये हेही दावे आहेत की महाराज भक्तांच्या घरी कोणत्या रूममध्ये कोणत्या कपाटामध्ये काय ठेवलेलं आहे ते ओळखू शकतात, याला क्लिअरवायन्स म्हणतात, हाही दिव्य शक्तीचा चमत्कार आहे। याकरता अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून त्यांना आव्हान दिलेलं होतं की तुम्ही हे आमच्या कमिटी समोर येऊन उघडपणे हा प्रयोग सादर करा, जो तुम्ही वारंवार दिव्य दरबारामध्ये त्याकरता 30 लाख रुपयांचं पारितोषिक ठेवलेलं होतं, आम्ही 10 माणसं देणार होतो, 10 माणसांच्या पाहून त्यांनी त्यांची। और न सिर्फ यही बात थी बल्कि इन पर महाराष्ट्र का एक कानून भी लागू हो रहा है जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। और साथ साथ ये अपने साथ साथ नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं को भी शायद लपेटे में ले सकते हैं। वजह ये है कि महाराष्ट्र का एक कानून है जो कि अंधविश्वास के खिलाफ, इस प्रकार के जादू टोना चमत्कार के खिलाफ काम करता है। और इस कानून के तहत जो नियम है वो इतने कड़े नियम हैं कि इस में शामिल लोगों को पर भी ये लागू होता है, आयोजक पर भी लागू होता है। तो ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री अपने साथ साथ इन मंत्रियों पर भी मुसीबत लाद गए हैं और ये बड़ा मुश्किल मामला लग रहा है। अब पता नहीं, सरकार उनकी है तो हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो या ना हो, ये जरूर शंका का विषय है। आप क्या कहते हैं, आप अपनी राय बताएँ।